हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है, उठ गए हैं। हाँ जी, एमओ भी उठ गया है, सेम कॉफी ले रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पे आने के बाद मैं तो पहले सुबह ब्लैक कॉफी ले लेती हूँ उसके। हाँ जी बेटा, हाँ जी, राम राम ही कर दो सबको, सबको राम राम ही कर दो। कर दे बिटिया, कर दे बिटिया, हेलो कर दे, कर दे, हेलो कर दे बेटा। और एक है संतोष देवी, तो उसका मैसेज आया हुआ है, कमेंट किया हुआ उसने, ठीक है। मैंने उसको रिप्लाई भी किया, आप लोग जाके भी देखना, इससे जो पहले वाला व्लॉग आया हुआ उसमें एमी भी नहीं लिखा। यम्मी की आंखें ऐसी है जैसे बंदर की तरह अंदर घुसी हुई, तो मेरी बेबे बालक के बारे में ऐसा को नहीं बोला रहा, ये नेचुरल चीज है जो भगवान ने दे दी, ठीक है। अगर आपके और आपके खुद के बच्चे के बारे में अगर कोई ऐसे बोले तो आपको कितना बुरा लगेगा? मुझे तो इतना बुरा लग रहा, सोचो आपके बच्चे के बारे में कोई ऐसा बोले तो। यार कुछ भी बोलो, मेरे बारे में तो बोलते ही उल्टा सीधा, मेरे बच्चे को तो बख्श दो यार, बच्चों के बारे में इतना गंदा नहीं बोलते। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, कोई बोलते हैं वो मैंने पंडित के बारे में बोला था आप लोगों को, यार कोई जेन्युइन चीज है तभी आप लोगों को बताइए ना, कर लो यार, नहीं करनी है तो छोड़ो। एक ने बोला कि एमी के बाल नहीं आए हुए, पंडित से बोल दो इसके बाल आ जाएंगे। अरे यार शर्म कर लो यार, बच्चों के बारे में ऐसी थिंकिंग करते हो, क्या ही तुम्हारा भला होएगा ये बताओ मुझे, कुछ हो जाएगा क्या? मैंने इतना बुरा लग रहा, मम्मी इतनी नीच थिंकिंग के लोग है, कह रही पंडित से ना इसके बालों की बात कर लो, बाल आ जाएंगे इसके। अरे भाई जेन्युइन चीज है, किसी की गृहस्थी में प्रॉब्लम है, लव मैरिज में प्रॉब्लम है, कितने इतने बंदे होंगे जो मेरी वीडियो देखते हो जिसके बालक ना हो रहे होंगे, चार चार पांच पांच साल डॉक्टर का हांड रहे होंगे, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में बैठे बैठे घर बैठे दुश्मन मर जाए, सामने आला चिड़ा है उसने कुछ टूना टोटका करवा दिया, कितने बंदे हैं। सुबह सुबह मैसेज पड़ गया, माथा खराब कर दिया। अगर आपने सोल्यूशन चाहिए तो फिर तो मैं नंबर डालू हूँ पंडित विश्वनाथ जी का, बढ़िया है, जिसने सोल्यूशन चाहिए ले लियो, नंबर भी मिल जाएगा। और मेरे बच्चे के बारे में आगे तक अगर एक भी बैड कमेंट आ गया ना फिर देख लियो, मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा भाई, मेरे बारे में बोल लो, मित्तू के बारे में बोल लो, किसी के बारे में बोल लो, पर एमी के बारे में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुरा तो मैंने उसी दिन लग रहा था जब मैंने वो पढ़ा था, उसका भी नाम मैं अगर मेरे को मिल गया ना, बहुत सारे कमेंट थे, मैं सबके कमेंट लाइक करती हूँ और जिसका हो पाता ना रिप्लाई भी करती हूँ, तो मेरे बच्चे के बारे में यूं मत बोल दियो, पंडित करवा लियो, यो करवा लियो, थारे बालका गए कि मैं जुल्फे लाख के पैदा हुए थे कि उनका घनी बड़ी बड़ी जुल्फे हुई थी, और कौन सी अच्छी बात है? अगर ना भी रहा हो ना तो कहा जिस बालक का बाल आवे ना वो काल लेकर पैदा हुआ अगर अपने माँ बाप के सिर पर बोझ लिया अगर, जिसका बाल ना होते ना कम हो है, बिल्कुल कम हो है, वो बहुत शुभ होता है, आप लोगों को बता दो अगर नहीं पता हो तो, ठीक है। और वो नेचुरल चीज है यार, बच्चे पे क्यों दोष लगाओ कि बालक के बाल है नहीं है, वो है वो है, चाहे कैसा भी है भगवान की देन है, इनका अगर बालक भगवान के बराबर है, उसने लेकर भी आप जज करने लाग जाओ, इसकी आंखें बंदर जैसी है बताओ, चाड़े ही कर दिए, छोटा बालक है न्यू तो है को नहीं भाई, क्यूट है, अच्छा है, या दीदी इसको ये खिलाओ या ये, कोई सजेशन देने के बजाय नुक्स और निकालने लग गए यार। अगर इतना बुरा लगता है तो मत देखो यार, मेरे से दिक्कत है ना, मेरे लिए कमेंट करो, मेरे बच्चे को भी नहीं बख्श रहे हो आप। मैं किसी बंदे को भी लेकर आज तक मैंने ये नहीं सोचा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, फिर भी दुनिया इतने, हम अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को हमने इतना हक दे दिया कि आप हमारे मेरे बच्चे के बारे में भी बोलो, 6 महीने का है यार ये, इसके बारे में भी इतना बुरा बोलने लग जाते हो, बताओ शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। और संतोष देवी तेरे कितने बालक है, ब्याह रखे मेरे ख्याल था, मन तो लग गया है ब्याह रखे मेरी बेबे, तो थोड़ा सोच, तने प्यार में भी कही है ना यह बात, तो भी मैंने बिल्कुल पसंद नहीं आई, मेरे बालक ने कोई बंदर बोल रही हूँ बंदर जैसी आंखें है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये चीज। और उसका भी बताऊंगी मैं, नाम लेके बताऊंगी उसका भी, जिसने ये बोला था कि पंडित से अपने बच्चे के बाल करवा ले, तू भी शर्म कर ले, तेरे बालक का ना हो ना तो तू भी करवा ले जाके, ठीक है। उपवास करे मेरे लोग माँ के, जो आपके बारे में वैसा बोलते उनको धमका दो, उनको भक्त कर दो, भाप कर दो उनको, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते बेटा। आजा आजा, मुंह नहाई नहाई कर लिया, नहाई नहाई करके बैठा है। एमडी इमी बिट्टू छानी बिट्टू हिली, मेरा बेटा गया सो रहा है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मैं तैयार हो गई हूँ, देखो कितनी प्यारी ड्रेस पहनी है मैंने, कितनी सुंदर सी और कंफर्टेबल सी, इतना मस्त कलर है ये, मेरा और मित्तू का ना दोनों का फेवरेट कलर है, इस कलर में ना चाहे 50 सूटों में पहन सकूँ, ठीक है।
बाल अभी मैंने टाई कर लिए क्योंकि अभी अम्मी फिर बार बार ना बालों को खींचता है इसलिए। बाकी कैसी लग रही है ये, इंस्टाग्राम से ही मंगवाई है मैंने भाई, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। अगर कोई शॉर्ट्स डालता है ना मेरी तरह तो मस्ट हाईली रिकमेंड करूँगी मैं, ये वाले तू मंगवाओ, इतनी कंफर्टेबल और इतनी स्टाइलिश लुक दे रहा भाई ये वो। तो चलिए सबसे पहले तो कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट और फिर करते हैं पूरे दिन का कुछ प्लान। मेरे पति तो पीछे बैठे अपना काम करने लग रहे हैं लैपटॉप पे, और मुझे यहाँ पे आके ना शायद पानी चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ पता नहीं, मुझे हल्के फुल्के ना पिंपल होने लगे ये देखो। और मैं स्किन बता रही थी ना, मेरे बहुत ज़्यादा मतलब वैसे ही है, सेंसिटिव होती है किसी किसी की, देखो पता क्या है ये। रात को जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, ऐसे मुद्दे हो गए और मैंने नीचे पिल्लो रख लिया, तो पिल्लो पे ऐसे ना ये टक्कर लिया था काफ़ी देर तक, जब मुझे दर्द होने लगा ना फिर मैं उठी, तो रात को तो कुछ नहीं था, मैं अगले दिन फिर अभी मतलब ये निशान हो गया, स्किन की तो बैंड बज गई है। आगे कढ़ी बन चुकी है हमारी टेस्टी सी, मस्त आ रही है। किस किस के पति भाई उल्टी पेंट पहने, ये देख लो ये देख लो ये देख लो, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है पहननी। और ये देखो चैन दिखाते हैं मैं उल्टी पेंट पहन रहा हूं तू। एक्चुअली हमने कोई वीडियो देखा, मम्मी का डायलॉग नु कहते ना खुश करने थे कुछ भी कर सका है, हम ना कोई वीडियो निकाल रहे थे तो उसमें आप लोग यार इंस्टाग्राम पे जाकर वीडियो देखा करो, इतनी मेहनत है बनावा है, इतना बढ़िया कंटेंट लेकर आऊँ आप लोगों से, जाके चेकआउट कराओ इंस्टाग्राम पे। टैगो भी सो के उठ गया है और मैं भी हो गई थी अपना फुल रेडी स्टडी गो मैं ना यहाँ पे बादाम का पेड़ लगा हुआ है, तोड़ के देखेंगे बादाम ही है या और कुछ है, ये देखो ऊपर भी लगे हुए हैं इधर भी लगे हुए हैं, मुझे तो बादाम ही दिख रहा है पूरा पूरा। हाय हाय मेरी तो चप्पल गिली है, पूरा रेत में भर जाएंगे। और ये देख लो पानी तो इसमें तो बिल्कुल ही ऊपर तक आया हुआ है, ओए होए कितनी मस्त वाइब है, देखो यहाँ पे है और सामने पानी है, ओ भाई गजब ही है सीन तो ये वाला देखो। अरे हम चार्ज हो गए आते ही हैं एमो, कितना बढ़िया जगह है। ये वाली टेबल ली है और साथ वाली इन रशियन की है, तो ना मम्मी जब से इनसे पूछ, ये देखो मम्मी का ध्यान, मम्मी किस ध्यान से है ये तुम देख सकते हो अलग स्टाइल के इनके पास हर नापण को ना था, हां उसों से ले रही है देख लो भाई यहाँ लिया और सामने है बिल्कुल बीच, आप देख लो गजब ही नजारे हैं भाई यहाँ के, तो पढ़े को नहीं मम्मी है पढ़े को नहीं। तो क्या खाना आपको है? क्या खाना है ऑर्डर करेगा कुछ अभी क्या खाएगा क्या खाएगा कुछ खाएगा बताओ कुछ तो खाएगा ये डोरी खाएगा दिखे है मंडंग और कुछ ना खाएगा हाँ मम्मी जा रही है घूमने के लिए बीच पे हाँ ये देख लो आप लोगों को बता रहा बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर मिले हैं हमें हेलो ये भी घूमने आए हमने हबी के साथ और ना इनका सॉरी स्टेशनरी का तो किस नाम से प्यारा गिफ्टिंग प्यारा गिफ्टिंग के नाम से, तो आप लोगों को क्यूट सी स्टेशनरी चाहिए ना तो इनके पेज से ले सकते हो। तो भाई मम्मी ले रही पूरे बीच पर मजे, ये देख लो लिमका की बोतल वो भी स्ट्रो लगा के ले रही मम्मी पीनट मसाला के साथ में है ना ले ले फुल मजे आ रहे हैं मम्मी कितने मजे आ रहे हैं फुल बेटे ये देखो अपनी दादी से फाइट कर रहा कि मुझे लेनी है लिमका तो मैं नहीं दूंगा ये देखो ले बेटा मैं पिलू पिला मम्मी इसे लिमका पिला ओ, 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 ओ,